हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमपी डिलाइट। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीनास पटेल और आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस रेस्टोरेंट जैसी एक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बटर गार्लिक मशरूम। देखिए दोस्तों, देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, और खाने में भी उतनी ही टेस्टी और यम्मी लगती है, और बनाने में तो इतनी आसान है। बहुत कम से कम मसालों में हम इसे आज बनाने वाले हैं। तो चलिए हमारे रेस्टोरेंट जैसे गार्लिक बटर मशरूम बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर दे देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरा एक कंटेनर जो मशरूम का आता है वो पूरा ले लिया है। ये अराउंड 200 ग्राम्स मशरूम्स हैं। तो मैं आज आपको इन्हें क्लीन करना भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों को इन्हें क्लीन करना नहीं आता। तो ये देखिए, मशरूम के ऊपर इस तरह की पतली सी स्किन होती है, तो उसे आपको धीरे धीरे से रिमूव करना है। ये काम आपको बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, वरना ये मशरूम टूट जाएगा, और ये आसानी से निकल भी आता है। देखिए मैं कितने इजीली इसे रिमूव कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा फटाफट से आपको इसे दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें पूरे टॉप का पोर्शन इसका क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने पूरी स्किन निकाल ली है, और टॉप पे जो थोड़ी सी मट्टी लग रही है ना, इसे आप चाकू की हेल्प से इस तरह से खरोच कर निकाल सकते हैं। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे 4 पीसेस में। आप चाहे तो इसे 2 पीसेस में भी रख सकते हैं, पर ये मशरूम्स थोड़े बड़े हैं इसलिए मैं 4 पीस में इसे कट कर रही हूँ, और बाकी मशरूम भी मैं इसी तरह कट करके रेडी कर रही हूँ। और अब ये जो छिलके हैं ना, इन्हें हमें डिस्कार्ड कर लेना है। और अब इस मशरूम को हम 2 से 3 पानी में बहुत अच्छी तरह से धो कर रख लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, और इस पैन में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल के साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून डाल देंगे बटर। तो दोस्तों, अगर आप बटर को डायरेक्टली डालोगे ना तो ये जल जाएगा, इसलिए हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। अब बटर को अच्छी तरह से पिघलने देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज ले ली थी जिन्हें मैंने फाइन चॉप कर लिया था। दोस्तों, इस रेसिपी के लिए आपको प्याज को फाइन चॉप करके ही लेना है। तो अब इसे गोल्डन कलर आने तक हम इस बटर में इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी प्याज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। तो ये देखिए, ये सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन की कलियां। ये अराउंड 15 से 20 लहसुन की कलियां थी जिन्हों मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। तो दोस्तों, आपको इसे फाइन चॉप नहीं करना है, इस लहसुन को आपको मोटा ही रखना है, ताकि हर बाइट में हम लहसुन का टेस्ट ले सकें। तो यहाँ पे आप देखिए, लहसुन को भी मैं अब गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी प्याज के साथ। यहाँ पे प्याज और लहसुन ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुछ करी लीव्स। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिएगा। और साथ में ही हमने जो मशरूम्स धोकर रखे थे साइड में, उन्हें भी अब इसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे। अब अच्छी तरह से इन्हें एक बार स्टर कर लेंगे, ताकि हमारी प्याज और लहसुन इस मशरूम को अच्छी तरह से कोट हो जाए। दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही फटाफट बनकर रेडी हो जाती है। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इस रेसिपी को बनने में। सिर्फ आपको सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी रखने हैं, और बस 5 ही मिनट में आपकी बहुत ही बढ़िया टेस्टी रेसिपी रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए, मशरूम अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। तो बहुत ही लिमिटेड मसाले अब हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं रेड चिली फ्लेक्स, जो कि 1/2 टीस्पून है। 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें डाल दिया है ओरिगेनो, और 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे काली मिर्ची की पाउडर, या क्रश किया हुआ काली मिर्ची। तो मैंने ये भी इसमें डाल दिया, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें डाल देंगे टर्मरिक पाउडर, ताकि हमारी इस सब्ज़ी का एक अच्छा सा कलर आए। तो यहाँ पे देखिए, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे, और सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसे और पकने देंगे। इसे बिल्कुल भी हमें ढककर नहीं बनाना है। अगर आप इसको ढककर बनाओगे ना, तो मशरूम अपना पानी रिलीज कर देगा और ये सिकुड़ भी जाएगा। तो याद रहे, इसे हमें ढककर बिल्कुल भी नहीं पकाना है। अब मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून से भी कम इसमें नमक डाल दिया है, और अच्छी तरह से इसे मिलाकर सिर्फ 1 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। तो ये देखें दोस्तों, कितनी बढ़िया सी हमारी बटर मशरूम की रेसिपी रेडी हो रही है। तो फ्रेंड, 1 मिनट यहाँ पे हो चुका है, मैं कर देती हूँ इसे डिश आउट।
खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही टेम्पटिंग यम्मी रेसिपी हमारी बनके यहाँ पर रेडी है। देखिए सिर्फ 5 मिनट में ही हमने इसे बना लिया है और यकीन मानिए ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी टेस्ट देती है। और आपको तो पता है मशरूम बहुत ही फटाफट से पक भी जाता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक ट्राई दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी थी। और इसी तरह की बढ़िया टेस्टी यम्मी डिलीशियस रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों अगली वीडियो में और एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।